तो क्वेश्चन आज के हमारी इस क्लास में समीप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए कि आपके सामने डेटा है, ये आपका डेटा है। तो डेटा के अंदर में क्या है कि हमारे पास है नेम, सिटी, क्वांटिटी, एमआरपी और डेट्स। यहाँ पे सिर्फ डेट है हमारे पास, कुछ और नहीं है। लेकिन अगर मैं समरी पे आता हूँ तो समरी पे मुझे क्या करना है कि मुझे इसमें टोटल निकालना है। अब मुझे चाहिए कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के सिटी में ईयर के और उसके हिसाब से मंथ वाइज सेल्स हमें चाहिए, हमें मंथ वाइज सेल्स निकालनी है। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ मंथ नहीं है। अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ मंथ का कॉलम ऐड कर दूँ तो आसानी से किया जा सकता है। टेक्स्ट जो टेक्स्ट फॉर्मूले से मैं यहाँ पे इसको डी डाल देता हूँ तीन बार, सॉरी माफ कीजिए डी नहीं एम एम तीन बार डाल देते हैं, फिर इसको सेलेक्ट करके नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं। उसके बाद इसमें इजीली यहाँ हम इक्वल लगा सकते हैं सम इफ्स का फॉर्मूला। इस सम इफ्स और हमने सेलेक्ट कर लिया सबसे पहले नेम का कॉलन और हमने क्वांटिटी समरी में आए और हमने इसको सेलेक्ट कर लिया नेम। देन हमने सेलेक्ट किया सिटी का कॉलन और हमने सेलेक्ट कर लिया सिटी और उसके बाद ईयर। अब प्रॉब्लम यहाँ पर है, प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हमारे डेटा में जो है सिर्फ मंथ है। तो यहाँ हम कॉमा करते हैं और यहाँ मंथ को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ मंथ में हम सिलेक्ट करते हैं। सॉरी दिक्कत हो गई, छोटी सी दिक्कत हो गई। सम इफ्स, सबसे पहले सम रेंज, मुझे क्वांटिटी का सम करना है, फिर क्राइटेरिया वन रेंज समरी में आए क्राइटेरिया वन, फिर वापस से सिटी को सिलेक्ट किया और सिटी क्राइटेरिया को सिलेक्ट कर लिया। देन हमने सिलेक्ट किया मंथ क्राइटेरिया को और यहाँ मंथ क्राइटेरिया को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करते हैं, टोटल आ गए। बट जैन 2019 और 20 दोनों का आया हुआ है। तो हम यहाँ टेक्स्ट के अंदर क्या करेंगे कि डैश वाई 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 चार बार वाई कर देते हैं। इससे क्या होगा कि जैन मंथ के साथ ईयर भी आएगा। तो यहाँ जो है हम यहाँ पे एन परसेंट डैश हम ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं तो रिकॉर्ड हमारे सामने दिख रहा है। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि हम अपने डेटा में ये जो मंथ दिख रहा है इस मंथ को कॉलम को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि डेटा कहीं और से लिंक है और डेली बेसिस पे अपडेट होता है, सो हम इसको ऐड नहीं कर सकते हैं। तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमारा जो मंथ वाइज यहाँ पे निकल जाए और डेटा में चेंज ना कर। तो क्या करना होगा इसके लिए, अब यहाँ पे देखिए क्या है। जैसे मान लीजिए मुझे जनवरी महीना का सेल चाहिए एग्जांपल, तो हमें इस पे डेट बनाना पड़ेगा कि वन डैश एन परसेंट हमने इसको सेलेक्ट किया देन डैश 2020 ये जो भी डेट है आपका, इससे एक डेट इससे जो है एक डेट बन गया आपका। फिर हमारे पास ईओ मंथ का फॉर्मूला है जो कि इस महीने का लास्ट डेट दिखा देता है। तो हर महीने की लास्ट डेट और फर्स्ट डेट यहाँ पे आ गई तो हम क्या करेंगे, सम इफ्स का फॉर्मूला लेंगे, सम रेंज लेंगे और हम सिलेक्ट करेंगे क्राइटेरिया वन रेंज और इसमें हम करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू और अन प्रेजेंट हम डेट को सिलेक्ट करेंगे स्टार्ट। फिर अगेन हम क्राइटेरिया को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देंगे लेस देन इक्वल टू और अन प्रेजेंट, साथ हम एंड डेट को सिलेक्ट कर लेंगे। तो आपके सामने मंथ का सेल आ गया। तो आप जो है एक डेट से एक मंथ को कैसे सेल करेंगे ये पता चल गया। किसी को डाउट है इसमें, इस फॉर्मूले में? अंकित जी, सुरभि जी, संतोष जी, कोई प्रॉब्लम इसमें? कुछ बोले सर? हेलो सुरभि जी, कुछ पूछ रहे थे आप क्या?
सेम कंसेप्ट यहाँ हम अप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम वन डैश एन परसेंट मंथ को सिलेक्ट करेंगे, देन एन परसेंट और हम ईयर को सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ हम ईओ मंथ लगा के इसका एंड ऑफ मंथ निकालेंगे, ओके। और नीचे ड्रैग करने से पहले हमें बी फोर को फ्रीज करना होगा, यहाँ भी बी फोर को फ्रीज, यहाँ फ्रीज करने की जरूरत है। और यहाँ पे ये कर सकते हैं कि पूरे को कॉपी करके हम ईओ मंथ के अंदर डाल देते हैं ताकि दोनों आप में लिंक ना हो। अब यहाँ जो फॉर्मूला हमने बनाया जिसमें हमने एफ कॉलम लिया, अब इस एफ कॉलम के अंदर हम यहाँ करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू एन परसेंट और सेलेक्ट करेंगे इसमें डेट को। फिर वापस आएंगे और एक बार और एफ कॉलम ई कॉलम होगा, माफ कीजिएगा हम एफ कॉलम नहीं, यहाँ पे ई कॉलम होगा, एफ कॉलम डिलीट कर दिया ना मैंने, ई कॉलम को सेलेक्ट करेंगे कॉमा समरी पे गए और लेस देन इक्वल टू एन परसेंट इसको सेलेक्ट कर लेते एफ एट। ठीक है, तो हमने बाकी तो सेम था, इसमें हमने बस दो कंडीशंस ऐड कर दिए डेट के। अब ये कंडीशंस हमने यहां पे लिख रखे हैं तो हम डायरेक्टली वहां पे भी लिख सकते हैं, यहां डी एट में, और यहां पे इसको कॉपी करते हैं और ये हो जाएगा आपका ई एट। नीचे ड्रैग करने से पहले हमें डेटा को फ्रीज करना पड़ेगा, बी टू को फ्रीज करना पड़ेगा, बी थ्री को फ्रीज करना पड़ेगा, बाकी को फ्रीज करने की जरूरत नहीं है। और नीचे की तरफ ड्रैग कीजिए, ये आपका सारा रिपोर्ट आ गया। मैं यहाँ पे ईयर चेंज करता हूँ, यहाँ पे ईयर होगा। ओके, आप लोग समझ पाए कि नहीं इसको? संतोष जी, सुरभि जी, यस सर, यस सर। अब इसके बाकी क्वेश्चंस आपको करने। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि सेम थिंग है, मैं यहाँ से मंथ स्टार्ट मंथ एंड मंथ डालूं तो मुझे यहाँ पूरा डेटा आ जाए सिटी वाइज, मैं यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करूँ तो क्वार्टर वाइज डेटा आ जाए, और मैं यहाँ पे ईयर और मंथ सेलेक्ट करूँ इसके वीक वाइज डेटा आ जाए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ पे जो छेड़छाड़ करना चाहे कर सकते हैं, आप डेटा के अंदर कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ओके, तो ये बनाइए, मैं आप लोगों को ये फाइल मेल कर रहा हूँ। सुरभि जी, आपकी ईमेल आईडी क्या है? सुरभि जी, ईमेल आईडी जोशी सुरभि 96 JOSH है ये ना? हाँ। अंकित जी, अंकित जी आपकी कौन सी है? ABHU सर, ABHU ABH, हाँ यस, तो द फर्स्ट। इसके बाद मयूरी जी का है, क्लेम्स है सर, मुझे भेज दीजिए। हाँ, मैं क्या है, मेरा आईडी आपका है? संतोष संसुती, एस ए एन टी ओ एस एच, एस ए एन टी ओ एस एच, संतोष, एस ए एन, अगेन कंटिन्यू कीजिए, एस ए एन, एस ए एन, एन, यस, यू डॉट, हाँ, या वू डॉट को डॉट, या यार ये ए, जी जी, या ठीक है। तो
क्या है कि अभी जो है ये आपका ये प्रोजेक्ट है, आप इसको कर ले, इसके बाद हम आगे की चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है, आइए फॉर्मूलेज के बारे में, क्योंकि ये बहुत अच्छी बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला है, क्योंकि जब तक इसको सही से समझ नहीं पाएंगे तो आपको ऑटोमेशन के काम नहीं हो पाएगा। सो ऑटोमेशन के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी सर। आपने